एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस। हमारे पास इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीन चार क्वेश्चंस हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.3 and 4.1, इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। सो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर। अब इसमें आप इसे x1 ले लेना और इसे y1, एंड दिस इज द x2 एंड दिस इज द y2, और इसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे इस तरीके से कुछ, तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा। और ये आ जाएगा आपका √8, और √8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। ओके, क्वेश्चन सेकंड में भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है बिटवीन टू पॉइंट्स, और दो पॉइंट्स आपको गिवन है, एक ए और बी, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे जो मैंने बताया है, x2 - x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में डिटरमाइन कोलिनियर, जब भी कोलिनियर आपको डिटरमाइन करना हो तो आपके पास तीन पॉइंट गिवन होंगे। ओके, इसमें भी आपके पास तीन पॉइंट दिए हुए हैं ए बी एंड सी, इसके बीच में आप क्या करोगे, जब कोई चीज कोलिनियर होगी तो एक लाइन पे होगा, और जब एक लाइन पे होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस, सपोज करो ये लाइन हो एंड दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो इसके बीच का डिस्टेंस प्लस इसके बीच का डिस्टेंस एंड इक्वल टू इसके बीच का डिस्टेंस, ए सी के बीच का डिस्टेंस, और ये मैंने लिख दिया है। अगर ये कोलिनियर है तो ये इक्वल आएगा, नहीं कोलिनियर है सो नॉट इक्वल आएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आपके पास ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इसमें आपको दिया क्या रहेगा, तीन पॉइंट गिवन होंगे ए बी एंड सी, और तीनों पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस निकाल लेना, ए बी एंड बी सी एंड ए सी। अगर ये तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल, सिर्फ दो साइड इक्वल है तो आपके क्या होंगे, सिर्फ दो साइड अगर कोई भी इक्वल है, कोई दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, एंड कोई साइड अगर इक्वल नहीं है एक दूसरे के तो वो स्केलिन होगा। एक कंडीशन और होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या करोगे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करके देख सकते हो कि अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, साइड्स हैं। ओके, अभी फिफ्थ क्वेश्चन में फिगर आपके पास गिवन है, और इस फिगर में चार पॉइंट हैं ए बी सी डी। अब आपको बताना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। अगर ये स्क्वायर बनाएंगे तो चारों साइड इक्वल और इनके डायगोनल भी इक्वल होंगे। ओके, और अगर चारों साइड सिर्फ इक्वल है, डायगोनल नहीं इक्वल है, तो वो रोम्बस होगा। और अगर दो साइड इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी अगर है और इनके डायगोनल इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये पैरालेलोग्राम होगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन सेकंड भी क्वेश्चन फिफ्थ जैसा ही है। क्वेश्चन सिक्स में क्या पूछा गया है, ओके, ये फिफ्थ जैसा क्यों है, क्योंकि इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल के नेम बताने हैं, मतलब चार पॉइंट गिवन है और नेम द क्वाड्रिलेटरल्स। सो इसमें भी आप फिफ्थ की तरह ही आप देख लेना, अगर साइड इक्वल है चारों और डायगोनल भी इक्वल है तो स्क्वायर, अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, और सिर्फ साइड इक्वल है चारों तो क्या होगा, रोम्बस, और सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम अगर डायगोनल इक्वल ना हो। अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन में, फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो इक्विडिस्टेंस बोला गया, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ये पॉइंट है आपके पास P जो एक्स एक्सिस बोला गया, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स कॉमा जीरो होता है, एंड वाई एक्सिस पे अगर ये होता तो ये 0, y होता। अब P और A और B दो आपके पास पॉइंट हैं और ये एक्स एक्सिस बोल दिया तो इसको मैंने पॉइंट बना लिया। अब P और A के बीच का डिस्टेंस निकाल लो और P और B के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी पी ए एन इक्वल टू पी बी होना चाहिए, किसके लिए, इक्विडिस्टेंस के लिए। और अप्लाई क्या करेंगे P और A के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला, और P और B के बीच में क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 - x1 पे होल स्क्वायर रूट में, ये मैंने लिखा हुआ है, ओके, √x2 - x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में
आपके पास डिस्टेंस दी हुई है दो पॉइंट के बीच की, वो है 10। अब इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, और किसके बीच में, सो पी क्यू के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ क्यू 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। सो आपके पास जो पॉइंट दिए हुए हैं उसे अगर हम रखें तो कुछ इस तरीके से हम रख सकते हैं, Q को इधर, P को इधर, R को इधर। अब देखो डिस्टेंस होगा क्या, आपको डिस्टेंस तो फाइंड करना ही करना है, और ये बोला जा रहा है कि इक्विडिस्टेंस है, तो इक्विडिस्टेंस कहां से है, तो Q से P एंड Q से R। अगर ये इक्विडिस्टेंस है तो PQ के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू QR के बीच का डिस्टेंस होगा। सो हम लिख लेंगे डिस्टेंस PQ एंड इक्वल टू QR। अब देखो जब डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो रूट आता है, उसी रूट को हटाने के लिए मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ओके, अब ये बोथ साइड जब स्क्वायरिंग आप कर दोगे तो रूट गायब हो जाएगा, और आप इस तरीके से PQ लिख सकते हो, 0-5 पे होल स्क्वायर प्लस 1-3, तो माइनस माइनस प्लस, और इधर आप क्या करोगे, x और 6 है, सो x-0 पे होल स्क्वायर एंड प्लस 6-1 पे होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये तो x की वैल्यू निकल गई आपकी जो पहले पूछा था। फिर पूछ रहा है डिस्टेंस QR एंड PR। सो QR एंड PR का डिस्टेंस निकालने के लिए अब नया जो हमारा R हो जाएगा वो 4,6 हो जाएगा। सो PR हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड QR भी हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन X एंड Y। इसमें भी इक्विडिस्टेंस बोला जा रहा है। सो P से A एंड P से B इक्विडिस्टेंस है। अगर इक्विडिस्टेंस है तो इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। सो PA एंड इक्वल टू PB आप कर लो, एंड बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला कभी भी अप्लाई करोगे रूट आएगा। तो रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, फिर जो आपका एक इक्वेशन बनेगा x एंड y के फॉर्म में वही आपका आंसर होगा।